हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। मतलब आपको स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर बोलना है जो डिविजिबल होता होगा 6 से 8 से 12 से। मतलब एक छोटा नंबर बोलना होगा जो 6 में भी आता हो, 8 में भी आता हो, 12 में भी आता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट में क्या निकालना होगा हमें, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो स्मॉलेस्ट मतलब लोएस्ट, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इसमें। तो फर्स्ट हम करेंगे एलसीएम ऑफ 6, 8 और 12 का। तो यहाँ पे एल सी एम ऑफ 6, 8 एंड 12। तो फर्स्ट एल सी एम करेंगे, तो 6 का, 8 का और 12 का। तो 6, 8 और 12 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2। 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 2 6 जा 12, फिर 3 4 और 6। तो 3 के टेबल में आप 3 भी ले सकते हैं या 2 भी ले सकते हैं। पहले 2 अगर लेंगे तो 4 और 6 का कर लीजिएगा, 3 अगर लेते हैं तो 3 और 6 का करिएगा। लेकिन स्मॉलेस्ट मतलब 2 से मैं शुरू करती हूँ। तो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसके बाद मैं करती हूँ 2 में 3 जा, 2 1 जा 2 3। तो 3 यहाँ पे 3 3 आया, तो 3 से देख 3 1 जा 3 1 1। तो एलसीएम कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एलसीएम। तो एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो एलसीएम आया 24। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम जो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई आया वो 2 डिजिट नंबर आया। तो हमको क्या चाहिए, लेकिन हमको चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट के लिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यहाँ पे देखिएगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। तो यहाँ पे 100 आया। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमेशा याद रखिएगा 100 होता है। तो फिर यहाँ पे लेकिन एलसीएम आया 24। तो 24 6 के टेबल में भी 24 आता है, 8 के टेबल में भी 24 आता है, 12 के टेबल में भी 24 आता है। लेकिन हम लोग 24 ले नहीं सकते क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 डिजिट छोटा नंबर एक ऐसा चाहिए जो 6 के टेबल में भी आता हो, 6 के टेबल में भी आता हो, 8 के टेबल में भी आता हो, 12 के टेबल में भी आता हो। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 100 को 24 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है। तो 24 के टेबल में 24 मल्टीप्लाई 1 24, 24 मल्टीप्लाई 2 48, 24 मल्टीप्लाई 3 72, 24 मल्टीप्लाई 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 96, 24 मल्टीप्लाई 5 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12। तो यहाँ पे कितना आया, 4 जा 96, तो रिमाइंडर रह रहा है 4। तो यहाँ पे देखिए 120 जो नंबर है, 120 एक ऐसा नंबर है जो 24 के टेबल में आता हो। याद रखिएगा 24 6 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है। तो 24 में जो जो नंबर्स आएंगे जैसे कि 48, 72, 96, 120, ये ऐसे नंबर्स है जो 6 के टेबल में भी आते होंगे, 8 के टेबल में भी आते होंगे, 12 के टेबल में भी आते होंगे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकला, 3 डिजिट नंबर 120 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120, जो 120 आएगा वो 6 के टेबल में भी आता होगा, 8 के टेबल में भी आता होगा, 12 के टेबल में भी आता होगा। तो 120 इज द स्मॉलेस्ट
120 इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 and 12। तो 120 स्मॉलेस्ट नंबर है जो 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा, आपको कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।